छलांग लगा दूंगा दोस्तों, तो मेरे को तैरने भी नहीं आता। यहाँ मौत का कुआं देखे, यहीं पे मिट्टी नीचे डाल के यहीं बाइक चलाने की कोशिश किए थे। एक बार मौत का था, उस टाइम मैं फोन ऑन नहीं रखा। ये हाँ तो यहाँ काफ़ी फिसलन है दोस्तों, गिर भी सकते हैं हम लोग। तो ये सब में केकड़े होंगे जो कि अभी घुसे पड़े हैं, बारिश थमेगी तो निकल जा रही हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, अभी एक ही सेकंड में देखते देखते देख सकते हो मैं यहीं पे हूँ। देख सकते हो यहाँ से भी पानी आ रहा है, खेत से, उस खेत से नाला है और पानी अभी गिरिच रहा है बहुत ज़ोर से। ये हम खुला पैर चलते हुए, तो ये सभी में केकड़े हैं। अभी मैं आया तो सब अंदर घुस गए दोस्तों, ये तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखो ये इसमें है, अभी सब घुस गए, देख सकते हो ये एक है, ये देखो। ऐसे हम लोग का खेत है ये वाला, इधर का पूरा प्लाट हम लोग का 7.5 एकड़। और घर दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हम लोग का घर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है देख सकते हो। और ये सारे जो वाइट कलर के वो है ना, वो सारे मछली खाने आ गए हैं देख सकते हो पक्षी। हम लोग आगे जाते जा रहे हैं अभी। भाई साहब आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको नहर भी दिखाऊंगा, सामने नहर आ गया लगभग। कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो, अभी आगे कुआं भी दिखाऊंगा। हम देख सकते हो कितना डूब गया मेरा पैर, कितना गहरा है पानी, तो देख सकते हो आप कितना तेज बढ़ रहा है। अरे भाई भाई एक केकड़ा जा रहे हैं, मारना पकड़ना है। अरे बाप रे, एक नंबर। तो ये बेर का पेड़ है, कांटा पूरा गिरा पड़ा है, कई तो कांटा गड़ गया है, घर जाके हम निकालेंगे। कांटा पूरा चुभ गया है पैरों में, ऐसा एक्सपीरियंस आप लिए हो कि नहीं लिए हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा मेरे ग्राहक दर्शक सॉरी। क्या है दुकान में बैठने का आदत है ना, तो ग्राहक ग्राहक ज़्यादा निकलता है मेरे मुंह से। YouTube कभी कभार बनाते हैं, देख सकते हो पानी का बहाव सभी खेतों में एकदम धराधर है। इधर बांध दिए केकड़ा, जगह जगह दिख रहा है अभी, तो चलिए इसमें खड़े हो जाते हैं। उधर सारे मछली पकड़ने वाले हैं, देख सकते हो कितने ऑडियंस है। उधर भी है, मेरा फोन भी पूरा भीग चुका है, फिर बाकी ढूंढ ढूंढ है पूरा। भैया लोग उधर से देख के आ रहे हैं, हम जा रहे हैं कुआं दिखाने आपको, हमारे घर मतलब खेत का कुआं है जहाँ मछली पालन भी करते थे। अभी देखते हैं क्या है, मैं तो बहुत दिन हो गया देखा नहीं है, चलिए दिखाते हैं आपको। कोई पतला पतला मेड़ है खेत का, अब हम चलने का तो नॉलेज है नहीं, कई बार फिसलते फिसलते चल रहे हैं दोस्तों। इतना पतला मेड़ है, मेड़ बोलते हैं इसको, खेत के एक दूसरे खेत के बीच में रहता है ना, उसको सभी तरफ बना है ऐसे। तो यहाँ पे रोड का जेब्रा क्रॉसिंग है दोस्तों, अब हम जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं सिग्नल से।
कोई कौन सा फोटो है हम हमको पता नहीं है, देख सकते हो लग रहा है खेत वाला स्नैक फोटो भी आता है, पता नहीं कौन सा फोटो है। ऐसे अकेले खेतों में आना ना डेंजर हो सकता है दोस्तों, अकेले कभी मत आइएगा, और आ भी रहे तो डंडा लाठी पकड़ के आइए, क्योंकि अभी बरसात के दिनों में सर्प का ज़्यादा प्रकोप रहता है। हम लोग निकलते हैं, किधर से चले अब खेती में चलना सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब उतरना पड़ेगा, इसमें उतरते हैं चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे कुआं ऐसे बने बने बिना स्लीपर कैसे चलने का हालत नहीं है, तो एकदम अजीब सा लग रहा है, डर भी लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। देख सकते हो सभी तरफ फेंकड़े का पड़ जाते हैं, जैसे कि आहट कर भी पाते हैं, छोटा छोटा मछली है जो कैमरे में शायद ही नहीं पा रहा होगा, जैसे आ रही पानी यहाँ से अपना चढ़ते हैं। बरसात में घूमने का मज़े कुछ अलग है, आप भी कभी कर सकते हैं अपने खेतों में, तो आपको पता चलेगा कैसे लगता है, अच्छा भी लगता है दोस्तों, ऐसे मिट्टी में पैर जाता है पानी में। मैं तो लाठी नहीं पकड़ा, तो थोड़ा था आप लोग भाई पकड़े हैं। साफ पानी है दोस्तों, और उतरने के लिए भी है, यहाँ पे लोहे का रॉड लगा है, बहुत ही साफ पानी है। ये ज़्यादा बारिश होने पर ये पूरा ऊपर भी आ जाता है पानी, और यहीं मछली पालन करते हैं। अभी तो मछली को पूरा निकाल दिया गया है, और आगे नहर है जस्ट, और नहर के नीचे खेत है, पूरा प्लाट 7.5 एकड़ है यहाँ से। वो बोर घर है दिखाता हूँ आपको, वो वाला देख रहे हो, वो बोर घर है। ये हमको दिखा रहा है आँख, तो चलिए दोस्तों आपको नहर दिखाते हैं। और यहाँ मेरे खेत में ना बेर का पेड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे घर में बहुत सारा बेर हम लोग रखे हैं सूखो के सुखा के, तो यहाँ पे कोई आके खाना पीना कर दिए हैं। और ये एक और नाला है खेत के इस तरफ से, हम लोग ट्रैक्टर घुसाते हैं कभी कभार। और ये है नहर दोस्तों, यहाँ नहाने या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ नहाने आ जाते हैं, जैसे कि दस गात्रा वाला कार्यक्रम। ऐसे नहर अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, देख सकते हो सीमेंटीकरण हो चुका है पूरा, पहले ऐसे पत्थर पत्थर था देख सकते हो। और हमारे गांव में अभनपुर क्षेत्र में पूरा मुर्मी इलाका है दोस्तों, मुरुम जो मिट्टी है ऐसे मिट्टी नहीं मिलेगी, मुर्मी मुर्मी ज़्यादा रहता है। तो उधर है रायपुर और इधर है राजिम, बीच में अभनपुर गाता था। ऐसे है ना जा रहा दोस्तों, पानी गिर तो इंजॉय करने खुले पैर में, वो भी छलांग लगा दूंगा दोस्तों, मेरे को तैरने भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा पूरा नीचे, यहाँ तक भी नहीं पहुँचा चढ़ने तक, ऐसा स्थिति है भाई का। ये सब में जाके लगे रहते हैं दोस्तों, जब मछली हम लोग डालते हैं तो छोटे से पूरा ये बंधे रहता है ताकि कोई वो मत करे। बीच में डालते हैं और वो बोर घर बोर चलता है अभी भी, क्योंकि हम मौत का कुआं देख के ये मिट्टी नीचे डाल के बाइक चला
चलो हम फसाते हैं अंदर डाल दें रुक में यार, इकर खेल देखन नहीं है, पीला नहीं है।